हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे आप देख रहे हैं, इस समय हम मार्केट लाइव चला रहे हैं वीडियो, तो 2 से 3 मिनट का वीडियो रहता है, वाच कर लीजिएगा। और मार्केट गिरने का कारण है कि ओमिक्रॉन का ये हल्ला उल्ला, तो यहाँ पर ध्यान पे देख लीजिए, 38.75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और इसका हाई ओपन हुआ है 29.55 पर, वही हाई बनाकर यहीं पर लो बना दिया 38.5 का। और फिर देखिए स्टॉक ये कवर कर रहा है और डिजिटल ये पेमेंट ये काम करती है, कंपनी ई कॉमर्स कंपनी है। तो आइए आगे चलते हैं, इसका समझते हैं बाय डाटा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे एंड तक। यहाँ पर देख लीजिए 39.55 रुपये पे ओपन हुआ, हाई वही रेट है, लो बनाया 38.5, इस समय 38.80 चल रहा है और 39.85 का क्लोजिंग है इसका भी। इसका लो देखेंगे भवनी का 36.70 है और हाई 113.70 पैसा है। और ये अपने 2 साल के रिकॉर्ड में यही 39 का आज ये लो थोड़ा है, नहीं तो इसके पहले ये लो नहीं अपना ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला नंबर, ये डेप्ट फ्री कंपनी है, पहले आप दिमाग में रख लीजिएगा। पहले इसके अभी जस्ट ही 1 से 2 दिन हुआ ये वीडियो बनाते हुए इन्फीबीम पर, आप उसको देख कर वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका क्वालिटी देखेंगे, ब्लू एवरेज है और वैल्यूएशन फेयर है और प्राइस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है, ठीक है। इसका 1 साल में रिटर्न कम तकरीबन 10% के माइनस में ये चल रहा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये आईटी सॉफ्टवेयर है, ध्यान में रखिए मार्केट कैप इसका 52 करोड़ का है, एक जाने में एक अच्छा सा कंपनी इसको माना जाएगा। और FCS जो सॉफ्टवेयर है उससे बढ़िया है ये, 10 गुना में ये सबसे बढ़िया ये कंपनी मानी जाएगी। दूसरी बात की है कि इसका म्यूचुअल फंड भी हिस्सेदारी इसमें रखा है इसमें, और इसमें हम लोग करने वाले 100% के आसपास है। तो आप लोग इतना ये समझ जाए, इसके हम डेट फ्री कंसीडर कर दें, इसके पीछे वीडियो देख सकते हैं, आइए आई बटन पे ऊपर आ रहा होगा। और मैं यही कहूँगा कि बस आप लोग इसमें आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने नज़रिए के हिसाब से, क्योंकि ये डेट फ्री कंपनी है। तो पहले इसके वीडियो आप जाकर नीचे देख सकते हैं, चैनल के लिस्ट में होगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट अपने चैनल पर देता रहूँगा शेयर के बारे में। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू दोस्तों।